न्यूयॉर्क की शरीदा अब्राहम और मेरठ का नदीम, दोनों को फेसबुक के ज़रिए प्यार हो जाता है, इश्क होता है। और नदीम एक दिन निकलता है पूरे का पूरा धोखा, और शरीदा ने एक मिनट भी नहीं लगाया और वो फौरन से इंडिया धमक आती है न्यूयॉर्क से सीधे। और फिर उसके बाद क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कैद मकदम करती हूँ और फेसबुक पे उपजी जो प्यार की कहानी थी बेहद दिलचस्प है। आप पूरी वीडियो देखिएगा और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए जो शादियाँ होती हैं, जो प्यार होते हैं, जो वादे होते हैं, उन पे आप क्या राय रखते हैं, ये मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। मामले की शुरुआत होती है 2017 से और क्लाइमेक्स अभी दो दिन पहले ही हुआ है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाली शरीदा अब्राहम अचानक से मेरठ पहुंचती है और वो मेरठ के एक थाने में शिकायत करती है कि 2017 में नदीम नाम के एक युवक से उसकी फेसबुक के ज़रिए दोस्ती होती है। अचानक जब बहुत ज़्यादा प्यार का उस पर खुमार चढ़ता है शरीदा पे, तो वो मेरठ पहुंचती है और मेरठ पहुंचने के बाद वो नदीम के साथ शादी करती है। हफ्ता 10 दिन वो यहाँ रहती है और उसके बाद वो लौट जाती है। उस दौरान नदीम ने शरीदा को बताया कि वो उसे बहुत प्यार करता है, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है, वगैरह वगैरह, जैसे प्रेमी एक दूसरे के लिए बात करते हैं। ये बात है 2018 की। और वापस चली जाती है, लेकिन इसी दौरान नदीम उससे आए दिन गिफ्ट की डिमांड करता है, ऐसी बातें करता है कि वो उसको कुछ गिफ्ट दे। ऐसे करते करते उसने करीब उसका 14 लाख रुपया खर्च करवा दिया। नदीम ने शरीदा के न केवल पैसे गहने बल्कि उसके पैसे से उसने एक कार भी खरीद ली। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, शरीदा को पैसे का कोई गम भी नहीं था।